नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लास 8 के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 11.1 के सवाल नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। आपको ये सवाल ध्यान से समझने हैं क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है, आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/2 गुनी हो। तो बेटा ये जो सवाल है ये सवाल नंबर 2 और 3 की तरह ही है। पिछली क्लास में हमने सवाल नंबर 2 और 3 किए थे ना, उसी की तरह ये सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा जो त्रिभुज है वो अलग तरीके से बनाया हुआ है। देखो इसमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, अगले सवाल में आपको त्रिभुज में एक कोण दे रखा है, तो कैसे बनाने हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको इस बात की गारंटी है एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए सवाल नंबर 4 करते हैं। आधार 8 सेमी तथा ऊंचाई 4 सेमी का एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, ठीक है। आधार 8 सेमी, तो देखो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में कहा था कि रचना के पद आप साथ के साथ लिखते चलना, रचना के पद मैं बोलता जाऊंगा आपको लिखते हुए जाना है, ठीक है ना। तो रचना आपको इसमें लिखनी है। तो देखो आधार 8 सेमी बनाना है, तो सबसे पहले इसके लेंगे और ये 8 सेमी आधार बना देंगे हम, ठीक है ना। तो ये मैंने 8 सेमी की लाइन खींच दी है भाई, ठीक है, हो गया। और इसका कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं बी और सी, कितनी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा ऊंचाई 4 सेमी है, अब ऊंचाई कितनी है 4 सेमी, तो बेटा ऊंचाई होती है 90 डिग्री पर, कितने पर होती है 90 डिग्री पर, तो 4 सेमी ऊंचाई बनानी है ना, तो आपको क्या करना है इसका समद्विभाजन करना है, ये जो 8 सेमी रेखाखंड है इसका समद्विभाजन करना है। अब समद्विभाजन कैसे करते हैं, देखो प्रकार लेते हैं और बी बिंदु पर रख के, प्रकार को रखना है बी बिंदु पर और इस रेखा के आधे से ज्यादा प्रकार को खोलना है, आधे से ज्यादा मतलब ये पूरी लाइन 8 है ना, तो 8 का आधा 4, 4 से ज्यादा कितना भी खोल सकते हो, ये ऊंचाई बनाने के लिए कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखो आधे से ज्यादा खोल के एक 4 ऊपर की तरफ काटना है और एक 4 नीचे की तरफ काटना है, ठीक है। अब इसी प्रकार को सी बिंदु पर रखेंगे और एक 4 ऊपर की तरफ काट देंगे और एक 4 नीचे की तरफ काट देंगे, काट दिया, और जो ये बड़े चाप हो जाए ना तो इनको आप रबड़ की सहायता से मिटा दिया करो, ठीक है ना, ताकि हमारा जो चित्र है वो अच्छा लगे। अब क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, ये जो दोनों चाप हैं इनको मिलाना है, तो ये मिला देंगे हम दोनों को, ठीक है। ऊपर की तरफ तो आप इसको पूरा मिलाइएगा और नीचे की तरफ आप इसको डॉट में मिला सकते हो, ठीक है। ये लो, तो यहाँ पर बन गया आपके 90 डिग्री का कोण, मतलब ऊंचाई बन गई है आपके, ठीक है। अब देखो ऊंचाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो अब आप क्या करना है, ये प्रकार में 4 सेंटीमीटर का आपको नाप लेना है, ये 4 है ना, तो ये 4 सेंटीमीटर का नाप लेना है, ले लिया। अब 4 सेंटीमीटर का नाप लेके आपको यहां रखना है, ठीक है, और ऊपर 4 सेंटीमीटर का चाप काट देना है, ऐसे काट दिया। अब बेटा जहां पर चाप कटेगा वहां पर आ जाएगा आपका बिंदु ए, मान लीजिए कि त्रिभुज का नाम एबीसी है, ठीक है, तो बीसी तो यहां लिख दिया था और ए यहां आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए बिंदु को बी से मिलाना है और ए बिंदु को सी से मिलाना है, मिला दो, ठीक है। तो ये ए बिंदु को तो हमने मिला दिया बी से और ए बिंदु को मिला दिया हमने सी से, ये लो भाई, ठीक है। तो ये बन गया आपके त्रिभुज ए बी और सी, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, तो ये दोनों भुजाएं आपके क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो बेटा रचना के पद में भी आपको लिखना है, जो जो आपने यहाँ किया सवाल में वो लिखना है, क्या लिखोगे, सबसे पहले सर्वप्रथम बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, लिख दिया। अब दूसरे नंबर पे रेखाखंड बीसी का हमने क्या किया, लंब समद्विभाजन किया, लंब समद्विभाजन किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे, अब ये लंब समद्विभाजन पर कोई बिंदु ले लो, मान लो यहां पर आपको आर प्राप्त हुआ, ठीक है,
किस आर बिंदु से 4 सेंटीमीटर का चाप ऊपर की ओर काटा, जहां पर बिंदु ए प्राप्त हुआ। ठीक है, हो गया। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे, ए को बी से मिलाया और ए को सी से मिलाया। इस प्रकार हमें अभिष्ट समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ। बन गया ये वाला त्रिभुज। तो देखो ये तो हो गया। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की एक सही 1/2 गुनी हो। फिर एक समरूप और त्रिभुज बनेगा जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितनी गुनी हो, एक सही 1/2। तो इसको सही कर लेते हैं, मिश्र बिंदु है तो इसको साधारण बिंदु में बदलेंगे। तो देखो 2 × 1 = 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो यह आ जाएगा 3/2। तो इसकी जगह आप करोगे 3/2 गुनी। ठीक है, तो आपको समरूप त्रिभुज बनाना है तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, क्या करोगे, बी बिंदु को केंद्र मानोगे और यहां से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे। तो देखो बी बिंदु को हमने केंद्र मान लिया और न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, कितनी भी बड़ी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम दे दिया हमने बी एक्स। न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा बी एक्स हमने खींची, रचना के पद में आप लिखोगे। ठीक है, अब देखो इन दोनों में अधिक कोण है, इन दोनों में अधिक कोण है भाई, ज्यादा कोण है, 3 अधिक है, ये अधिक है ना, 3 अधिक है। तो आपको क्या करना है, इस न्यून कोण बनाती हुई रेखा पर 3 बराबर चाप काटने हैं, 3 बराबर चाप प्रकार लोगे और आपके हिसाब से उसको खोल लोगे। आप ज्यादा बड़ा नहीं खोलना है, ज्यादा कम भी नहीं खोलना है। तो ठीक है, बी बिंदु पर रखेंगे, एक चाप यहाँ काट दिया, ठीक है, दूसरा चाप यहाँ काट दिया, फिर ये तीसरा चाप यहाँ काट दिया। ठीक है, 3 बराबर चाप हमने काट दिए। अब इन चाप को हम नाम दे देंगे, आप लिखते भी जाइएगा, जैसे यहाँ बी है तो नाम दे दिया B1, B2, B3, कोई सा भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दे दिए भाई नाम। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखोगे, रेखा बी एक्स पर B1, B2, B3 3 बराबर चाप लगाए, लगा दिया। अब देखो यहाँ 3/2 है ना, तो बेटा जो नीचे हो, नीचे कितना है 2 है नीचे, जो हर में है, यहाँ देखो 2 है ना, तो B2 को C से मिलाना है, B2 को किससे मिलाना है, C से, जो नीचे है उसको इस अंतिम बिंदु से मिलाना है। तो नीचे 2 है तो B2 को C से मिलाना है। पिछली क्लास देखोगे तो 100% यही समझ में आ जाएगा आपके, कंटिन्यू पूरी क्लास देखो आप। ठीक है ना, तो ये B2 को किससे मिलाया, C से, ये हमने मिला दिया, B2 को C से मिलाया। ठीक है, अब 2 को तो मिला दिया, अब किसको मिलाना है भाई, 3 को। ठीक है, तो ये 3 रहा। तो बेटा यहां से आपको एक इसके समांतर यहां से 3 से एक रेखा खींचनी है, इसके समांतर यहां से क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। तो देखो यहां तो था आपका सी पॉइंट, ठीक है, ये वाला, अब यहां से एक रेखा खींचेंगे, तो इसके समांतर रेखा कैसे खींचते हैं बताए, डायरेक्ट आपको नहीं खींचनी है, कैसे खींचनी है, जितना कोण यहां बन रहा है उतना ही कोण आपको यहां बनाना है। अब वो कैसे बनाएंगे, प्रकार लेंगे, बी बिंदु पर रखेंगे, ठीक है, और यहां से एक चाप काट लेंगे ऐसे, ठीक है, कितना भी कोण सकते हो प्रकार, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को B3 पर रखेंगे और यहां से भी ऐसे एक चाप काट लेंगे, काट लिया। अब बेटा इस कोण को मापेंगे, ये वाला जो कोण है ना, ये जो यहां कोण बन रहा है इसको हम माप लेंगे, ये माप लिया, और अब इस प्रकार के किले सिरे को यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक चाप काट देंगे ऐसे, ठीक है, काट दिया। अब जाए चाप कटा, यहाँ से होके B3 से होके एक रेखा खींच देंगे, तो खींचो, ये जो चाप कटा ना B3 से होती हुई एक रेखा हमने यहाँ से खींचेंगे, तो ये हमने रेखा खींच दी है, ये लो भाई। ठीक है, तो ये वाली रेखा क्या है, समांतर है, ठीक है, और इस लाइन को भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, और इसको पूरा मिला दो, ये लो, ठीक है, तो ये B2C समांतर ये हो गया, रेखा हो जाएगी और यह इसका नाम दे देंगे D, ठीक है, हो गया ना, ये वाली रेखा क्या है आपके, समांतर है। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे कि आपको ये वाली जो रेखा है ना इसके समांतर यहाँ रेखा खींचनी है, तो मतलब यहाँ जितना कोण बन रहा है उतना ही कोण आपके यहाँ बनेगा। अगला जो पॉइंट लिखोगे आप लिखोगे B2C समांतर
B3D रेखा खींची, ठीक है। अब बेटा यहां पर भी इसके समांतर यहां रेखा खींचनी है, तभी तो आपका त्रिभुज बनेगा, ठीक है, समरूप त्रिभुज। तो जितना कोण यहां पर है उतना कोण यहां बनना चाहिए। तो कैसे बनाएंगे, देखो प्रकार लेंगे, आवश्यकता अनुसार कोण लेंगे, सी बिंदु पर रखेंगे और यहां से ये चाप काट लेंगे, ठीक है। अब इसको डी बिंदु पर रखेंगे और यहां से भी इसी नाप का चाप काट लेंगे, ये लो, ठीक है। अब ये वाला जो है ना कोण, इसको नाप लो, ये हमने इसको नाप लिया, और यहां जीरो यहां पर प्रकार के नुकीले सिरे को रखे, क्या करेंगे, चाप को काट देंगे, काट दिया। अब जहां चाप कटा है डी बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, तो ये डी बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ये लो भाई, डी बिंदु से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे, ठीक है। और इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा लेंगे, ये लो, ठीक है, हो गया। तो यहां पर जो पॉइंट आएगा उसका नाम आ जाएगा एबीसीडी ई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो ये वाली रेखा आपकी क्या है, समांतर है। तो रचना के पद में आगे क्या लिखेंगे कि एसी समांतर ईडी रेखा खींची, एसी समांतर ईडी रेखा खींची, ठीक है। तो देखो ये वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज आपके क्या हो गया, समरूप हो गया। मतलब इस एबीसी का कितना करोगे, 3/2, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा, बी ई डी, मतलब 3/2 करेंगे त्रिभुज ए बी सी, तो प्राप्त हो जाएगा त्रिभुज बी ई डी, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट चित्र। तो इस प्रकार से आपको बनाना है और रचना के पद भी आपको कंप्लीट पूरे लिखने हैं, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले तो संधि बाहु त्रिभुज बनाना था, 8 सेमी का आधार, ये 8 सेमी का आधार। अब ऊंचाई 4 सेमी है, तो ऊंचाई बनाने के लिए इसका संधिपादन करना था, आधा से ज्यादा नाप लेना है, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर यहाँ से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, और ऐसे भी खींच देना है। अब ऊंचाई 4 सेमी है, तो प्रकार में यहाँ से 4 सेमी का चाप काटना है, और इसको इससे मिलाना है और इसको इससे मिलाना है, ये बढ़ गया संधि बाहु त्रिभुज, ठीक है। अब इस एक और त्रिभुज बनाना है, जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं की 1/1/2 गुणी हो, मतलब 3/2 गुणी। तो ऐसे त्रिभुज बनाने के लिए न्यून कोण बनाती हूँ रेखा खींचते हैं, जो इसमें ज्यादा है उतने चाप काटते हैं, इसमें 3 ज्यादा है तो 3 बराबर चाप काटते हैं, ठीक है। अब तो इसके A1, 2, 3 नाम दे देंगे, कोई सा भी नाम दे सकते हो। अब जो नीचे है, नीचे 2 है, तो 2 को इसी पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। अब 2 तो मिला दिया, 3 को मिलाना है, 3 ये रहा, ठीक है। तो कैसे मिलाएंगे, इसके समांतर यहां से रेखा खींचेंगे। तो रेखा खींचने के लिए क्या करना है, जितना कोण यहां है उतना कोण यहां होना चाहिए। यहां से चाप काटेंगे, यहां से चाप काटेंगे, इसको नाप लेंगे और ऐसे रेखा खींच लेंगे। अब इस लाइन को आगे बढ़ा देना है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने बताया था कल की क्लास में कि अगर ऊपर संख्या बड़ी हो और नीचे संख्या छोटी हो, ऊपर संख्या बड़ी हो और नीचे संख्या छोटी हो, तो जो त्रिभुज बनेगा ना इस त्रिभुज के बाहर बनेगा, ठीक है। और अगर ऊपर संख्या छोटी और नीचे संख्या बड़ी होती तो त्रिभुज इस त्रिभुज के कहां बढ़ता, अंदर बढ़ता, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करना है, इसके समांतर यहां खींचनी है, तो ये लाइन भी बढ़ा दिया, तो जितना कोण यहां है उतना ही कोण यहां बनाना पड़ेगा आपको, और ऐसे लाइन खींचनी, सिंपल सी बात है, बढ़ गया आपका ट्रैक, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है। अब देखो पांचवा सवाल बेटा, इनमें से कोई सा भी सवाल 4 नंबर का आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, तो आप इनको ध्यान से समझिएगा। देखो एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो देखो यहां पर मैं एक त्रिभुज बनाना है ABC, और फिर 3/4 गुनी भुजाओं वाला एक और त्रिभुज बनाना है। तो ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या है ना, तो त्रिभुज त्रिभुज के अंदर ही बनेगा। अगर ऊपर बड़ी संख्या नीचे छोटी संख्या हो तो त्रिभुज त्रिभुज के बाहर बनता है, ठीक है। तो देखो आगे, पहले तो एक कच्चा चित्र बना के बताता हूं मैं। एक त्रिभुज बनाना है एबीसी, तो मान लो मैंने ये एबीसी बना लिया, तो ये ए, ये बी और सी, ठीक है। बीसी कितनी है, 6, एबी कितनी है, 5, और कोण एबीसी, एबीसी का मतलब बीच में बी है ना, तो ये वाला कोण है 60 डिग्री, ठीक है। ऐसा त्रिभुज बनाना है आपको एक, ठीक है। रचना के पद आप साथ के साथ लिखते चलिएगा, ठीक है ना, रचना के पद आपको साथ के साथ लिखने हैं। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करना है आपको,
त्रिभुज एबीसी बनाना है जिसमें बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है, तो ये लेंगे हम प्रकार सॉरी स्केल और 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। और रचना में आप लिखोगे कि सर्वप्रथम बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है, खींच दिया। अब ये रेखाखंड खींचने के बाद आपको इसमें कोण बनाना है 60 डिग्री का, ठीक है बेटा। तो बी बिंदु पर हम क्या करेंगे, 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, और 60 डिग्री का कोण बनाओगे आप प्रकार की सहायता से, ठीक है। देखो कैसे बनाएंगे, प्रकार लेंगे बी बिंदु पर, देखो एबीसी है ना, तो बी पर बनाना है आपको, ठीक है। अगर आपको किसी त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी हो और एक कोण दे रखा हो, तो पहले एक भुजा बनेगी, फिर कोण बनेगा, फिर अगली भुजा बनेगी, ठीक है ना। तो ये प्रकार लेंगे, इसको बी बिंदु पर रखेंगे, ठीक है। और जितना भी ज्यादा बड़ा नहीं बोलना है, ज्यादा छोटा नहीं बोलना है, अपने हिसाब से बोल लेना। ऐसे एक चाप काट देंगे, ठीक है, काट दिया। अब प्रकार के न्यूक्लियस ही देखो यहाँ रखेंगे, ठीक है। यहाँ रखने के बाद जब पहली बार हम चाप काटते हैं ना, तो पहली बार में कोण बनता है 60 डिग्री का, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और हमें बनाना भी कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो बन गया आपके 60 डिग्री का कोण। अब इसको क्या करना है, बी बिंदु से मिलाते हुए इस चाप को जहां से कट रहा था लाइन खींचनी है, ये हमने एक लाइन खींच दी भाई, तो यहाँ बन गया आपके 60 डिग्री का कोण, ठीक है। अब देखो बेटा कि ए बी बराबर कितनी है, 5 सेमी, तो बी आए तो ए इधर आएगा, ठीक है। तो 5 सेमी का चाप भरो प्रकार में, ये हमने 5 सेंटीमीटर का चाप भर लिया, ठीक है, और 5 बी बिंदु पर रखेंगे, ठीक है, और यहाँ से प्रकार से चाप काट देंगे, ठीक है। जहां चाप कटेगा वहां आपका पॉइंट आ जाएगा ए, कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ए। अब ए को सी से मिला देंगे, ए को किससे मिला देंगे, सी से, तो ये ए को मिला दिया हमने सी से, तो ये बन गया आपका त्रिभुज ए बी और सी, समझ में आ गया। तो रचना के पद लिखिएगा, सर्वप्रथम बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, ठीक है। दूसरे नंबर पे लिखिए, बी बिंदु को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। तीसरे नंबर पे लिखी है, बी बिंदु को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप काटा, जहां पर बिंदु ए प्राप्त हुआ, ठीक है। फिर अगला लिखोगे, ए को सी से मिलाया, ठीक है। फिर लिखोगे, इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुआ, बन गया द्वितीय रचना के पद भी। चलो आगे, फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो, ठीक है। अब एक और त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की कितनी गुनी है, 3/4 गुनी है। अब इस प्रकार का त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, बी बिंदु से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तो खींचो भाई, ये बी बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींची, तो उसमें लिख देना, ठीक है। बी बिंदु को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींची, खींच दिया भाई। अब बेटा देखो इसमें इन दोनों में अधिक कोण है, 3 और 4 में अधिक 4 है ना, जो अधिक हो उतने चाप आपको इस लाइन पर काटने हैं, 4 अधिक है तो 4/4 काटेंगे, तो प्रकार लेना है जितना खोल लो, ठीक है। तो यहां रखेंगे बी पर, ठीक है, तो 1, 2, 3 और 1 ये 4 काटे, 4 4। अब 4 चाप काटने के बाद इनको नाम दे देंगे, जैसे आप बी है तो B1, B2, B3, B4, ठीक है, कोई सा भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। रचना में लिखेंगे, बी रेखा खंड बी रेखा बी एक्स पर B1, B2, B3, B4 बराबर 4 4 काटे, ठीक है। अब आगे देखो, हो गया। अब देखो ये 3/4 में नीचे कौन है, हर में कितने हैं, 4, जो हर में हो उसको सी से मिलाना है, ये बात हमने कही है, जो हर में है ना उसको किससे मिलाना है, सी से मिलाना है। हर में 4 है तो 4 को सी से मिलाओ, तो ये 4 है ना, B4 को मिला दो सी से, तो ये B4 को किससे मिला दिया भाई, सी से मिला दिया, मिला दिया, ठीक है। अब रचना लिखोगे, B4 को सी से मिलाया, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 और 4 है, तो 4 को मिला दिया, अब
किसको मिलाना है, तीन को, ये रहा तीन, एक को इधर मिलाना है, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे इसके समांतर यहाँ से रेखा खींचनी है, मतलब जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना ही कोण यहाँ बनना चाहिए, ये होना चाहिए ना, ठीक है। अंदाजे से भी खींच सकते हो लेकिन कोण तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ बी फोर पर रखेंगे, ठीक है, और यहां से चाप काट देंगे ऐसे, ठीक है। फिर इसको बी थ्री पर रखना है और बी थ्री से ऐसे चाप काटना है, काट दिया। अब इसको नाप लेंगे हम, ये वाला माप लिया, अब यहां रखेंगे और यहां से चाप काट देंगे, काट दिया, जहां चाप कटा हुआ बी टू से होती हुई लाइन खींच देंगे भाई, बी टू बी थ्री से, थ्री से है ना, थ्री से, क्योंकि थ्री से बनाना है तो थ्री से होती हुई लाइन खींच देंगे। तो ये देखिएगा, ये थ्री से होती हुई लाइन हमने खींच दी, ठीक है, और यहाँ पॉइंट का नाम दे देंगे डी, ठीक है। तो हम रचना में लिखेंगे बी फोर सी के समांतर बी थ्री डी रेखा खींची, बी फोर सी समांतर बी थ्री डी रेखा खींची, मतलब ये रेखा और ये रेखा क्या है आपके समांतर है, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, संगत कोण बराबर, तो रेखा क्या होती है, समांतर होती है, हो गया। अब क्या करना है, इसके समांतर यहाँ रेखा खींचनी है, इसके समांतर यहाँ, क्योंकि त्रिभुज तो ऊपर बनाना है हमने अपने को समरूप, तो कैसे बनाएंगे, जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना कोण यहाँ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ सी पर रखेंगे और यहाँ से चाप काट लेंगे, सी पर रखकर आपको चाप काटना है, देखो यहाँ सी पर रखेंगे और यहाँ से ये चाप काट लेंगे, ठीक है। फिर इसको डी पर रखेंगे और डी से भी एक चाप काट लेंगे, काट लिया। अब इसको हम नाप लेंगे, इस कोण को ये नाप लिया और यहाँ रखेंगे, यहाँ से चाप काट देंगे, काट दिया भाई। अब क्या करना है, ये जो चाप कटा इसको डी बिंदु से होती हुई लाइन खींचनी है, ये लो खींच दी, और यहाँ पॉइंट का नाम आ जाएगा ई, ठीक है। अब रचना क्या लिखोगे, एसी समांतर ईडी रेखा खींची, एसी समांतर ईडी रेखा खींची, और ये लो बन गया आपका चित्र। अब क्या है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी है, मतलब तीन बटा चार करें त्रिभुज ए बी सी का, तो हमें कौन सा त्रिभुज मिल जाएगा, बी ई डी, त्रिभुज बी ई डी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बन गया आपका चित्र, तो ये दोनों सवाल आपके कंप्लीट हुए। मैंने पहले भी कहा था, अगर ऊपर बड़ी संख्या है और नीचे छोटी संख्या है तो आपका जो त्रिभुज बनेगा वो त्रिभुज के बाहर बनेगा। देखो पहले ये त्रिभुज बना था कि बाहर वाला बना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अगर ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या हो तो पहले हमने बड़ा त्रिभुज बनाया था, फिर अंदर छोटा त्रिभुज बनाया, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है, तो आपको ये विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम इसके दोनों सवाल 6 और 7 को